जुलाना के सभी समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा भारत के पहले CDS विपिन रावत के साथ हवाई दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में जुलाना की सभी समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य पहुंचे व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जुलाना थाना प्रभारी सरबजीत सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद रावत पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद रावत ने तीनों सेनाओं के अंदर जल थल और वायु सेनाओं के अंदर एक समय जो डेढ़ था वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम अलग अलग किसी चीज को नहीं जीत सकते हैं, किसी ने कहा अपने संगठन द्वारा जो शहीदों की यादगार के लिए किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस तरह से जिसने हमारे देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है और एक सच्चे प्रहरी के रूप में अपना जीवन उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, तो इस तरह से हम इन शहीदों के जो परिवार उनको याद करके देखिए समाज में थोड़ा दूसरे हमारे जो साथी हैं बच्चे हैं उनको इस तरफ प्रेरणा का काम करते हैं और इनका हम ऋण उतार नहीं सकते, लेकिन हम इनको याद करके उनकी कुर्बानी को जो हमारे लिए जो कर गुजरे हैं उनको सराह सकते हैं। इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। 130 करोड़ भारतीयों को जय हिंद। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार हुए हमारे देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख श्री विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी जी और हमारे उनके साथ सेना के नौजवान उच्च अधिकारी जो इस हादसे में शहीद हो गए, उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए ऐसे महान योद्धाओं को महावीरों को याद करते हुए आज भारत विकास परिषद और समाज सेवी संगठन ने एक शोक सभा का आयोजन किया है। हम शहीदों को हम शहीदों के सदा ऋणी रहेंगे कि 130 करोड़ भारतीय उनके सदा ऋणी रहेंगे कि जिनकी बदौलत हम आज खुले में सांस लेते हैं, दिन रात को चैन की नींद सोते हैं। ऐसे वीरों को ऐसे महावीरों को कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है जी। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? जो 8 दिसंबर को हमारे देश के CDS शक्ति प्रदान करे, जिस प्रकार आज पूरे हिंदुस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपनी निजी हानि मानते हुए इस दुख की घड़ी में देश के साथ खड़ा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश इन वीर शहीदों की कुर्बानी को कभी भी भुला नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जय। आज जो 8 तारीख को हमारे जवान शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिनमें विपिन रावत जी भी थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके जो साहसी कार्य थे उनके बारे में बताया जाए और बच्चे जो उनसे मोटिवेट हो। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव भागवत। उस हादसे में शहीद हुए जनरल विपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 11 अन्य शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज ये एक शोक सभा हमने मनाई है और सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस शोक सभा में उपस्थित हैं और अपने अपने रूप से अपने अपने शब्दों से सभी नम जो आँखों से और दुखी हृदय से विपिन रावत जी और सभी शहीद सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर। क्या नाम है? आज जैसे कार्यक्रम किया गया है जो शहीद हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, तो ये अब हमारे देश के लिए बहुत ही अक्षतिपूर्ण हस्त है और इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन आत्माओं को शांति दे। क्या नाम? सतपाल कौशल।